देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त आज बटन दबाकर किसानों के खाते में सीधे सीधे डाल दी गई। इसी को लेकर सिरसा के पंचायत भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने शिरकत की। इसके साथ ही सिरसा उपायुक्त व कृषि अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में सीधे तौर पर 9.25 करोड़ लाभार्थी किसानों के खाते में ये राशि डाली गई। पत्रकारों से बातचीत में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि ये केंद्र सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 1,34,583 किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और इससे पहले 362 करोड़ की 16 किस्तें जारी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को इसके अलावा भी बहुत सी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। हमारे यहाँ जो धंधे को कोई 1,34,583 किसान अच्छे फॉर होते हैं उसमें जिन्होंने अप्लाई किया और 362 करोड़ रुपये आ गया जिसकी 16 किस्तें अब तक आ गई। हरियाणा दिल्ली के जल विवाद को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ दिक्कतें थीं जिसको लेकर बैठकर आपस में बातचीत कर पानी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा आरोप था कि पानी चोरी किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और सरकार पूरी निगरानी रख रही है। वहीं प्रदेश में बिजली की स्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि कभी कभी मौसम की खराबी की वजह से कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन प्रदेश में बिजली की स्थिति एकदम दुरुस्त है। हो गया, पानी दिया जा रहा है, कोई एलिगेशन लग रहा था कि वो पानी उठा के चोरी से जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, सरकार की पूरी निगरानी है, कमेटी बन गई, उसके बाद पानी का सोल हो गया, दिया जा रहा है। जैसे अगर सरसा में देखें तो मेरे ख्याल में अब के 18,000 नए एसी बाजार में खरीदे गए हैं। जब लोड बढ़ता है तो उसका भी थोड़ा सा ट्रांसफार्मर जो जितना है उसी कैपेसिटी का रहता है उसमें, पर फिर उसको ठीक करके चला दिया जाता है। एवन हरियाणा के लिए सिरसा से निशा खन्ना की रिपोर्ट। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें एवन हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।